हम आए हैं विहाड़ी जिम खाना, मेरे साथ है मेरी कज़न मिस राबिया खान बलोच, और ये एडवोकेट भी हैं और इन्होंने 18 में इलेक्शन भी लड़ा था एमपीए का, मगर हम चंद वोटों से रह गए थे। साथ हैं जी मेरी भाभी, जिसको बड़ी औखा मैंने मना के उसका मुंह इधर करवाया। अब आगे देखें कि हम वहाँ पे जाके जिम खाना में बैठ के करते क्या हैं। वो जरी को पता है, मेरी आगे आगे गर्ल्स जा रही हैं और हम जा रहे हैं जी मिस राबिया एडवोकेट, हमें गाड़ी ड्राइव करके यहाँ तक लेकर आई हैं। ये खड़ी है मैडम। मैडम आज आपकी ड्रेसिंग बड़ी अच्छी है। थैंक यू। हाँ, इस पर तुम बड़ी स्मार्ट लग रही हो। मार की वजह से, मेरे डरखौफ की वजह से, आपके डरखौफ की वजह से, चलो आपका एहतराम है, आपका बहुत ज़्यादा। हाय हाय हाय। ये जो मेरे शूज़ हैं ना, ये इससे मेरा बड़ा अच्छा चला जाता है मेरे से। नहीं, हमारी नज़र ही काफ़ी है, ये बिहाड़ी में ऐसे इतना एडवांस माहौल नहीं है। हम कहाँ आए? सॉरी, नहीं नहीं, कोई ऐसी बात है। हाँ नहीं, जहाँ मैं कोई ऐसी बात होएगी ना मैं बता दूँगी। अच्छा, कहना था? हाँ कहना था। मैंने आपके साथ पूछा। अच्छा, तो क्या उनसे मिलना? मैं नहीं। हाँ, क्या था? हाँ, कहना था तुम पागल हो, तुमने बताया नहीं कि मेरे को मेरे हस्बैंड की है उनकी मेंबरशिप। आज तो जिम खाना में जी बड़ी रौनक लगी हुई है, एक्चुअली वीकेंड है इस वजह से भी। हम बैठे हैं जी जिम खाना में, अभी करेंगे ऑर्डर। पहले हम ऑर्डर करेंगे सूप का, हॉट एंड सावर का, और मेरा ख्याल है कि उसके साथ प्लेटर मंगवाते हैं, सूप पी के फिर बारबेक्यू वाला प्लेटर। ठीक है, जैसे मेरी नहीं सब बताओ। हाँ बस ठीक है। अकेले नहीं, सही बात है। बेटी अब तुम अलाउ नहीं अकेले आना ना वहाँ पे, वो तो चलो बाल बच्चों वाली है, ठीक है, मेरी शादी हो चुकी है, तुम अकेली आके इस तरह से आती मुझे अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है बाबी, कुछ करते हैं। हाँ तो आया है जी अभी हमारा तीनों का सूप, हॉट एंड सावर। और ये है जी मेरी भाभी जी का सूप। भाभी जी तुसी सोने हो, छड़ दियो फोन। भाभी जी फोन छड़ दियो, तुसी सोने हो, तुहानू पता है। आपकी लाइट चलेगी तो वीडियो बनेगी। बैटरी हमारी जो है ना वो हो गई। चलो जी आ गया वे साडा जड़ा वे बारबेक्यू प्लेटर, और असी इतने 3 गर्ल्स बह के कर रही हैं वहाँ अपना खाना इंजॉय। मेरे फोन दी बैटरी जड़ी है वो डेड होने वाली है, तो मैं क्या मैं फटाफट जड़ा वे ना वो वीडियो बना लवा। इधर जी मेरी सिस्टर जड़ी है छोटी वो बना रही है, ओ लाइट अपने फोन दी ऑन उन्होंने की है, और भाभी जी ने भी इधर से लाइट ऑन की हुई है। भाभी जी आपका सिर्फ मुंह आ रहा। ये है जी मेरी प्लेट, इंज लग रहा जिमें पहली ते आखिरी बारी खाना है। हम कर रहे हैं जी यहाँ पे याशी। भाभी जी आपने तो कुछ लिया ही नहीं, आप फिर मेरे भाई से कहेंगी बाजी बाजी ने मुझे खिलाया कुछ नहीं है। राबिया तुम भी खाओ, वरना तुम मेरी अम्मी से कहोगी कि अम्मी वेख लो तुहाडी दी ने तो वेला सद के सानू बदनाम किया। वैसे अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करने का ना एक अपना ही मज़ा है।
जस्ट ओनली अपनी फैमिली बस, बाकी नो गुलगपाड़ा। आज साड़ी एक फ्रेंड साढ़े आने तो पहले ही खरे चली गई है, वरना वो तो जनाब जिम खाने चेंज होती है, जिम्मे जिम खाने की अद्धी जमीन उन्हें अपने ना कराई है। मैं उन्होंने इस टाइम बहुत मिस कर रही हूँ, अगर वो मेरा विलॉग वेखेगी ना तो उन्होंने फिर पता चलेगा। मैं तो सोचा सी भी वो इत्थे ही होएगी तो मैं उन्होंने भी बुलावांगी, मगर सॉरी डियर फ्रेंड आई मिस यू ऑलवेज, मैं तेनों हमेशा मिस करांगी। खा लिया है जी खाना, अमला बेचारा खड़ोता होया है कि पता नहीं माइया ने कदू जाना है इतों पर, नहीं सॉरी माइया नहीं हम गर्ल्स हैं, गर्ल्स हैं। ये देखें जी यहाँ पे ये बच्चे खेल रहे हैं बाहर, धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा किनारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। तो जी हम जा रहे हैं घर वापिस, राबिया गाड़ी ड्राइव कर रही है और मैं बैठी हूँ राबिया के साथ, और ये हैं जी पीछे बैठी हैं भाभी जी, और ये देखिए व्यूअर्स आपको भाभी सलाम कर रही हैं, जवाब दें प्लीज़। स्पेशल थैंक्स फॉर राबिया खान कि आपने हमें सर्विस मुहैया की, सॉरी कन्वेंस मुहैया की, तो आप हमें बाइज्जत तरीके से लेके गई हैं क्योंकि आप लॉयर हैं, और आपने बाइज्जत तरीके से हमें बरी कर दी है तुसी कहंदे हो ना बाजी रो या ना करो, तो अज मैं हस रही हाँ, मैं वेखांगी मेरे हसन ते किन्ने व्यूज आते हैं, व्यूज वास्ते नहीं हंस रही मैं, जो कभी खुश होनी है ना फिर इस तरह की खुश होनी है, अपनी फैमिली के साथ मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ अपनी फैमिली के साथ। शाबाश, एक ना हमारा वो ड्रामा लगता था, चाय पियेंगे अच्छा नहीं पियेंगे अच्छा बहुत अच्छी बात है, अच्छा सिद्रा से कहती होती हूँ कि मुझे ना छील दो फिर खा लेती हूँ। बुड्ढल जी गड्डी में लेके आ ही गई हाँ, तो तेनू तकलीफ हो गई है, तेनू एडा ज्यादा प्रॉब्लम है अगर तो तू इवें कर के तू जड़ा ना आ जा बाबा चाहे थे, तेरी मिस कॉल आई है, साडा गाना बंद हो गया, पीछे देगड़ियां खड़क रही हैं हम आए हैं जी बाबा चाय पे चाय पीने के लिए, हमारे साथ आए हैं हमारे बच्चे, और खीर वैसे इनकी बड़ी बकवास है, एक कप मंगवा के देख लो मैंने खाई हुई है हाँ। अच्छा चाय आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, चाय वाले बर्तनों में स्मेल ना आए वरना चाय वापस चली जाएगी, ठीक है। मीठा जरा हल्का रखना, साथ बेशक दे देना, बनानी दूध पत्ती है और कड़क वाली बनानी है, गुड़ वाली चीनी वाली, हाँ जी बताओ गाइस गुड़ वाली भी हो गए है, गुड़ वाली मीठा हल्का हो, पत्ती कड़क वाली, बहुत कड़क भी नहीं और बहुत लाइट भी नहीं। भाभी जी जरा इधर आओ, भाभी जी राबिया जरा तुम एक मिनट के लिए इधर पीछे आओ, सेट मुकम्मल नहीं है, ये देखें जी हम तीनों का सेट मुकम्मल हो गया, ईशु आप पप्पा के साथ इधर आओ पीछे, सारे बच्चे आ जाओ पीछे, आ जाओ आ जाओ,
हमें सबको फराबाजी के साथ बहुत अच्छा लगा। ये मैं हूँ और ये मेरी फैमिली है। मेरी फैमिली का एक बच्चा मिस है, फबिया, जो के घर है। हाँ, और हम एक बड़े ही ब्यूटीफुल दरख्त के नीचे बैठे चाय पी रहे हैं। यही भी वो खाने हैं। शो खत्म हो गया। राबिया तू मेरे याद है तो चढ़ के दिखा। वो मैं सदके जाऊं। बाबा जी प्लस उधर खड़ी हो जाके। हाँ क्यों, इधर दरख्त के पास है, तस्वीर बनाती हूँ बड़ी अच्छी। जाओ आप जरा दोनों खड़े हो। चले जाओ। और ये खड़े हो गए हैं जी मेरे बच्चे इधर। बाज बचूंगड़ो जरी अपनी औलाद को देखो जरा। माँ सदके खड़े हो जो स्पाइडरमैन। हाँ वो कहेंगे कितने अच्छे बच्चे हैं, क्या बच्चे। लें जी, आ गई है जी बाबा चाय वालों की चाय। पहले भी मैंने इनकी चाय पी है, मगर आज जो बर्तन इनके हैं ना, बड़े ही अच्छे और साफ सुथरे आए हुए हैं। पहला असि किसी दिन नाल आके तू पी लेंदे सां चाह, तो वह बड़िया ही शौकियां मारते सन जी। सानू बड़ा साडा इत्थे सानू क्रेडिट मिलता है, वे बड़े ही सानू एप्रीशिएट जिवें कीता जांदा है। तो एडे गंदे बर्तना च चाह मिलदी सी, अज देखो असि आप आए हैं तो चाहे किन्ने अच्छे बर्तना च। चलो पियो बच्चो चाय। गर्ल्स पी रही हैं चाय। गाइस मेरी भाभी को बहुत हंसी आती है। जलेबी के पॉइंट पे, ये मेरे सिटी की जी बड़ी मशहूर जलेबी है, खान जलेबी होम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? आपकी जलेबी इतनी मशहूर है कि मैंने कहा आज मैं इसका ज़रा व्लॉग बना लूँ। कितने बजे आप इसको स्टार्ट करते हैं? सुबह 8 से लेकर रात 12:30 बजे। रात 12:30 बजे तक, माशाल्लाह। यानी कि कितनी आप जलेबी बना लेते हैं रोज की? अंदाजा तो लगाया नहीं कभी। अच्छा, ये है जी जलेबी का मिक्सचर। अच्छे से काम कर रहे हैं जलेबी का? 45 ईयर्स से। यानी कि आप ही तो, आपके दादा वालिद सारे? वालिद साहब। अच्छा, सही।